बेटा आओ। अरे तुम तो कुछ घबराई घबराई से लग रही हो। दानियाल को मैंने खुद घर पे बुलाया ताकि शादी से पहले एक तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखो तुम घबराना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ जमीला। जमीला आओ बेटा, यह है हमारा घर और दानियाल से तो तुम मिल ही चुकी हो। अब वन मिनट, जस्ट वन मिनट। हेलो। हाँ क्या बात है, बहुत खामोश लग रहे हैं आप। तो क्या बात करूं, बात करने को रह ही क्या गया है। क्यों आप, ऐसा क्या हो गया? आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं, अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बहादुर तुम्हें अब भी, लेकिन जिसके लिए लड़ रही थी अगर वही पीछे हट जाए तो हक कैसा। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैद को मुझसे ज्यादा उसकी नौकरी प्यारी थी। खैर छोड़े ना इन सब बातों को, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और वैसे भी आपका शुक्रिया, आपने भाई को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अगर बता देते तो मेरी शामत आ जाती। शामत तो आपकी मैं भी लगा सकता हूं, क्योंकि मैं आपके पहले प्यार के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। अगर ऐसी बात है तो इनकार कर देना आप। वैसे भी अगर आपको पहले से सब कुछ नहीं पता होता ना तो मैं शादी के बाद आपको बता दे। ये आप ही का घर है? जी मेरे पापा का है। ठीक ही है,